सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की हर बार की तरह एक और वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों वेरियस अलग अलग पोस्ट यहाँ पे शामिल की जा रही। इसमें नर्स के लिए वैकेंसी है, इसके साथ साथ यहाँ पे फार्मेसिस्ट के लिए वैकेंसी है, ANM की वैकेंसी भी इसमें यहाँ पे आ चुकी है और रेडियोग्राफर का पद भी इसमें यहाँ पे शामिल यहाँ पे कर लिया गया। तो ये स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो करीब करीब 70 प्लस पोस्ट इसमें यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे कर ली गई। इनमें जो भी कैंडिडेट्स ANM वाले हैं, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे GNM डिप्लोमा वाले हैं, जो भी कैंडिडेट्स BSc नर्सिंग वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं और ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स रखते हैं, सभी इसमें बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इसमें अच्छी बात है कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। कोई भी इसमें आप लोगों की लिखित परीक्षा नहीं है, कोई भी इसमें आप लोगों का इंटरव्यू भी आप लोगों का यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नो एग्ज़ाम न्यू इंटरव्यू यहाँ पे बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। जो भी मार्क्स आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन कोर्स में या फिर आप लोगों ने अपने डिप्लोमा कोर्स में प्राप्त किए, उसी आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाली है, फिर आपको जो है सिलेक्शन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोग ये जाने, ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज हुई, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ें, लिखा है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट CMHO ऑफिस सवाई माधोपुर, इनके द्वारा ये विज्ञप्ति यहाँ पे आई है। और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जो कि जिसको यहाँ पे GNM के पोस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मेसिस्ट, ये सभी पद इसमें शामिल किए गए। UTB आधार पे ये वैकेंसी है, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला गया है। और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वैकेंसी टेबल की ओर बढ़ जाते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए इसमें यहाँ पे 20 पद हैं, 12th पास हो, BSc नर्सिंग, GNM का डिप्लोमा मांगा जा रहा है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके बाद ANM की वैकेंसी है, 40 पद इसमें, और 10वीं कक्षा पास हो, ANM का ट्रेनिंग कोर्स आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण हो, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके बाद फार्मेसिस्ट की वैकेंसी है, इसमें 3 पद हैं, 12th क्लास पास हो, डी फार्मा बी फार्मा कैंडिडेट्स आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 12th क्लास या फिर आप लोग बायोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स से हो तो भी बिल्कुल अप्लाई करें, लेकिन बी फार्मा डी फार्मा दोनों में से कोई भी एक आपके पास क्वालिफिकेशन हो, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आप लोग यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद सहायक रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर के इसमें यहाँ पे 10 पद हैं, 12th क्लास पास हो, मैथ्स या फिर साइंस सब्जेक्ट में, बायोलॉजी सब्जेक्ट में, और डिप्लोमा है या फिर डिग्री है रेडियोलॉजी का, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। आप सभी लोग भी इसमें यहाँ पे पात्र हैं, आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर दें। लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पते पर रजिस्टर्ड साधारण डाक स्पीड पोस्ट या फिर व्यक्तिगत रूप से आप लोग यहाँ पे भिजवा सकते हैं। तो कोई भी माध्यम यहाँ पे अपनाया गया है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग अपना आवेदन भेजेंगे CMHO ऑफिस सवाई माधोपुर। और लिखा है लास्ट डेट के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, कार्यालय ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार यहाँ पे नहीं होगा। तो ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में ये किसी भी तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, साधारण डाक, तो इनके माध्यम से आप लोगों को अपना आवेदन भेजना है। अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र जानकारी अंकित करें, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, सक्षम अधिकारी, जो भी प्रमाण पत्र हैं, दस्तावेज प्रमाण पत्र संकलन आप लोग यहाँ पर करेंगे अपने आवेदन के साथ। UTB आधार पर यह वैकेंसी निकाली गई है और चयन का आधार देख लीजिए, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मियों के लिए योग्यता का प्रतिशत दिया जाएगा, मीन्स आपके ग्रेजुएशन डिप्लोमा का, तकनीकी योग्यता का, मीन्स 12th क्लास का लिया जाएगा और ग्रेजुएशन का लिया जाएगा और डिप्लोमा का लिया जाएगा। और बोनस अंक, यदि आपके पास कोविड में वर्क है तो उसका बोनस अंक आपको मिलेगा, तो इस चीज़ का भी वेटेज है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है। स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं सवाई माधोपुर के, तो आपको यहाँ पे चयन में वरीयता दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, तो अच्छी बात है। ये वैकेंसी को बिल्कुल आप लोग अप्लाई करें, लास्ट डेट भी आप लोग यहाँ पे देखें 25 अगस्त शाम के 6 बजे तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा, आप सभी लोग जो है इस वैकेंसी को बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 अगस्त शाम के 6 बजे तक आपका आवेदन CMHO ऑफिस सवाई माधोपुर इस पते पर आपका पहुँच जाना चाहिए। तो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराई, ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताना, अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी को बता दें कि वैकेंसी आ चुकी है,
आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितनी भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।